नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पीएम श्री स्कूल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पीएम श्री गूगल में सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आ जाएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो स्कूल जो है अपना पीएम श्री में आवेदन कैसे डालेंगे या रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उनके पास उनका डाइस कोड होगा और जो HM है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लगेगा। तो चलिए, लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको अपना यहाँ यू डाइस कोड या सिंपल डाइस कोड जो होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे HM का, जैसा कि अभी प्रोफाइल अपडेट हुई थी सभी स्कूलों की, तो उसमें जो भी नंबर डाले थे HM के, तो वो नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो भी OTP आया है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन 3 दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि डाउनलोड ग्राम पंचायत ULB विलिंगनेस लेटर है, और प्रिंसिपल का लेटर है, और सैंपल फॉर्म है। जो आप यहां पर फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं उसका पूरा सैंपल यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे निकाल लें और एक बार उसे पढ़ लें, और उसमें जो भी यस नो के ऑप्शन हैं इन सब में टिक लगाना है। जैसा कि आपने यूडाइस प्लस में प्रोफाइल अपडेट की थी, वहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब पूछे गए थे, उसी टाइप के यहां पर भी आपको यस नो करना है। तो इसको आप 4 पेज की ये PDF है, इसे निकाल लें और इसी में आप यस नो पर टिक करके इसे रख लें और फिर इस फॉर्म को भरना चालू करें। और ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर लगने वाली हैं, एक आपका अगर ग्राम पंचायत में आता है स्कूल तो पंचायत का लेटर लगेगा, और अगर शहरी क्षेत्र में आता है तो आपका वार्ड मेंबर का यहाँ पर सील साइन इस लेटर पर लगेंगे। तो इन दोनों को डाउनलोड करके आपको सील साइन करवा लेना है। इसी के साथ आपको दो चीज़ें और यहाँ पर लगने वाली हैं, स्कूल की फ़ोटो फ्रंट की और स्कूल की फ़ोटो बैक साइड से। तो ये दो फ़ोटो आपको लगेंगी। ये सबसे लास्ट में आपको ये चारों चीज़ें अपलोड करनी होंगी, एक पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लेटर, प्रिंसिपल का लेटर, फ्रंट फ़ोटो और आपकी बैक फ़ोटो स्कूल की। तो ये चार चीज़ें आप रेडी रखें, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जी, इन सब के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब देना है। सारे क्वेश्चन यस और नो में आपको आंसर करना है, ओनली टिक करना है या यस में या तो फिर नो में, इस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। और यहाँ पर आपके परसेंटेज दिखाई देंगे कि कितने परसेंटेज आपके यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों चलिए प्रोसीड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन ए जो है ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप। तो इन सब में आपको सिंपल यस या नो पर टिक करना है। जितने ज़्यादा यस होंगे आपके नंबर उतने ही ज़्यादा होंगे, और पीएम श्री में आपका सिलेक्शन जो है स्कूल का सिलेक्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर दे देना है। तो दोस्तों इसकी PDF मेरे पास हिंदी वाली PDF है, अगर वो आप लोगों को किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं उसे मेल कर सकता हूँ या शेयर कर सकता हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो मैं सभी को अपनी वो हिंदी वाली जो PDF है वो यहाँ से आपको भेज दूँगा। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को चेक कर लें और यहाँ पर यस नो टिक करते चलें। मेरे में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन के जब सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेव का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेक्शन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हम आ चुके हैं सेक्शन बी में। अब आपको फिर से इन सभी क्वेश्चन का सवाल यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेकंड सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको एक बार फिर से सेव बटन पर फिर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन छूट रहा है।
अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी पर, इसे भी आपको नेक्स्ट कर देना है। सेक्शन डी में आ चुके हैं, तो दोस्तों बहुत सिंपल है और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन के जवाब यू डाइस प्लस में भी दे चुके हैं। इसी प्रकार आपको एक एक सेक्शन को कंप्लीट करते चलना है। चलिए हम यहाँ पर, आप अपने लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, इसे अब हम आपको यहाँ पर सेव करेंगे और कुछ नए ऑप्शन देखेंगे। जैसा कि आपने जैसे ही लास्ट सेक्शन को सेव किया तो नीचे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। ये प्रीव्यू है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्कूल की पूरी डिटेल के साथ साथ ही जो भी आपने क्वेश्चन चेकबॉक्स में टिक, तो ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट इमेज, स्कूल की बैक इमेज, पंचायत या आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लेटर, और ये यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का लेटर, ये चीज़ें आपको अपलोड करना है। पंचायत और प्रिंसिपल का लेटर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो है आपकी JPG फॉर्मेट में ही चल जाएगी, और 200 KB से ज़्यादा इसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको नीचे जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आप ब्राउज़ करके यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, फ़ोटो को ब्राउज़ करेंगे, PDF में कन्वर्ट कर लें अपनी फ़ाइल को जो स्कैन की हुई है, सरपंच का लेटर और प्रिंसिपल का लेटर, वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने अपलोड की हुई है दोनों तरफ से स्कूल की, और यहाँ पर PDF मैंने अपलोड कर दी है। अब ये होने के बाद आपको नीचे एक स्कूल डिक्लेरेशन दिखाई देगा कि आपका स्कूल को क्यों PM3 में सेलेक्ट किया जाए, इसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जैसा भी चाहें वो लिख सकते हैं कि आपके स्कूल को क्यों PM3 में सेलेक्ट किया जाए। तो 4-5 लाइनें आप यहाँ पर लिख दें, 2-3 लाइनें जितना आपसे हो सके, और आपको इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे एक OTP आपके नंबर पर आएगा वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको OTP फिलअप कर देना है, और एक बार फिर आपको OTP डालने के बाद इसे सबमिट कर देना है। ये गलत OTP है, एक बार फिर से रीसेंड करते हैं और नया OTP डालते हैं। सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद आप ओके करेंगे तो आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ये जो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है,